सब कुछ तो बता दिया साहब, क्या सवालों की जलेबी घुमा रहे हो? दिमाग की नस फट जाएगी, थोड़ा शांति रखो। एक रेपिस्ट और मर्डर से मुझे शांति का पाठ पढ़ना होगा? तेरी तो मैं खाल उगलवा लूंगा। सब एंगल से मार चुके हो, बोर नहीं होते क्या? कुछ नया करो या फिर हमें चैन से जीने दो। एक मासूम लड़की की जिंदगी ली है तूने, तू शांति से जिएगा? रजनी के मर्डर और गैंग रेप में तुम्हारे साथ दो लोग और शामिल थे, कौन थे वो? ये सारे सबूत तो वही दावा करते हैं, और पुलिस को भी वहां से तीन लोगों के डीएनए बरामद हुए हैं। बबलू, उनके नाम बता दो, कौन थे वो? क्या साहब, पुलिस वाले थक गए क्या, जो आपको भेज दिया एक के एक सवाल बार बार पूछने के लिए? तुम उनको बचाना क्यों चाहते हो, नाम बता दो उनके। सब कुछ हम बता देंगे तो पुलिस क्या है? ओ साहब, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर खुद मालूम नहीं कर सकते तो वर्दी उतार दो। तुम जंगल में अपने दो और दोस्तों के साथ थे, कौन थे वो? जिंदगी के सफर में गुजर जाती, यही गाने गुनगुना रहे थे ना तुम उनके साथ? गुजर जाते हैं। देखो, तुम अपने साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हारे लिए फिर नहीं आते। ये क्राइम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है। अरे रुक 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 रुक, अरे रुक तो जा। क्या बात है, बहुत लकड़ियां काट रही है आजकल, कहीं कोई जंगली जानवर ना काट ले तुझको। चल तो चल, पूरे जंगल का कोना कोना जानते हैं हम, चले जाएंगे। अरे सरकारी नौकर हैं हम, डरो मत हमसे। अगर हमको हाथ लगाया ना तो तुम्हारा ये हाथ भी काट देंगे और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। क्या बाहर निकल जा, नहीं तो तेरे 10 पुश्तों के भूतों को भी अपना गुलाम बना लूंगा। निकल बाहर। बस छोड़ दूंगे इसको, लेकिन इसको कहे हमार पेड़वा के पास कभी ना आए। अब इसका भूत निकल गया है, कर चाट हो मुर्गा लेके आ जाना, भूतवा को बलि चढ़ानी होगी, नहीं तो फिर से इसके सर पर भूत आ जाएगा। देखा क्या हाल हो गया इसका? अब ये होना लड़की को ही देख लो, अगर हम सरपंच होते तो इसको सरकार से क्या बोलते रहे, बोले उसको स्कॉलरशिप कहना चाह रहे हैं आप भाई? स्कॉलरशिप देखा भुलवा, तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव का उद्धार कर देंगे हम। अगले पंचायती चुनाव की तैयारी कर रहे हो का? अब जब तुम जो कह रही हो हम करके दिखाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पापा का एक हाथ भी नहीं है, बेचारे को कोनू काम भी नहीं देता है कोई, कैसे पढ़ाएंगे तुमको, कैसे परवरिश करेंगे तुम्हारी? अब ऐसे लोगों का मदद तो होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। बिटिया आ भी गए और आपकी कदस्तानी भी देख ली है। अरे तू तो हमारी अम्मा जैसे पेश आती है। आपका चेहरा देखकर पता चल रहा है कितना दर्द हो रहा है आपको। नहीं होता तो काहे करते हैं मजदूरी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अम्मा पैसा भेजती है ना टाइम पर। यही तो दुख है कि उसका दिया खाना पड़ता,
हर बार सोचते हैं कि उससे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अम्मा को गलत मत समझिए बाबा। तुमको पता है ना कि तुम्हारी अम्मा के पास पैसा कहाँ से आता है? घर का काम करने के लिए गई थी वहां, अब उस अरुण की घर वाली बनकर रही थी। लालो फुलवा को कुछ दिनों के लिए, लगता है बहुत याद आ रही है इसकी। हमको तो याद आएगी, लेकिन आपको क्यों आ रही है? इतना बुरा किया इसके साथ। चुप कर, याद रख नौकरानी है तू। मेरा बिस्तर गर्म कर दिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि घर की मालकिन बन जाएगी। अरे फुलवा, अरे इतना मत भागो। अरे देर हो गया है हमको। अरे देर तो हमको भी हुआ है, बस इतना देर हो रहा है कि पहले गणित का क्लास निकल जाए। तुमको लगता है कि तुम गणित में जीरो हो? मन लगा कर पढ़ो, 100 बटा 100 मिल जाएगा। आज फिर दाल खत्म? रोज रोज नमक रोटी पकड़ा देते हो, हमारे टोले के बच्चों को दाल सब्जी देने से पहले ही खत्म हो जाता है। ए, जाके लाल बाबू सर से बात कर। बढ़िया राजकुमारी, निकल यहाँ से। अरे अरे फुलवा, अरे वहां मत जा। तो तुमको सूखा रोटी नहीं खाना है? ये रोज रोज का हो गया है मास्टर जी। स्कूल में जो खाना आता है वो सरकार की तरफ से आता है। बताइए कौन हम बच्चों का हक छीन रहा है? सरकार हमको ये नमक रोटी खाने को देती है क्या? मारेंगे एक लफड़, भागो यहां से। मास्टर जी, बड़ी विद्रोही लड़की है, कल सबके सामने हमसे कहती है कि बताइए लैट्रिन का कुंडा कहां गया। हाँ तो गलत का पूछे, जाओ यहां से। सीडीपीओ मैडम बिना बताए आ गई। गुड आफ्टरनून मैडम जी। गुड आफ्टरनून, हमारा नाम फुलवा है, हम इस स्कूल के स्टूडेंट है। बोलो फुलवा। मैडम जी, हमारे टॉयलेट का कुंडा टूटा हुआ है, मास्टर जी से कितनी बार बोला लेकिन वो ठीक ही नहीं करवाते हैं। नमस्ते मैडम। बेटा फुलवा, अपने क्लास में जाओ। जा। और मैडम जी, आधे बच्चों को खाना ही नहीं मिलता है, प्रसाद की जैसा दाल देते हैं, कहते हैं इतना ही आया है, रोज ही नमक रोटी खा के रहना पड़ता है। यार अरुण, उस कंपनी ने पेमेंट रोक के रख ली हमारी। भाई ऐसे बात नहीं बनने वाली है, तू उसमें 10 बार फोन करा कर, मैसेज भेज, अबे प्रेशर डाल उन पे, तब पैसे निकलेंगे वहां से। ले। पेमेंट तो मैं निकाल लूंगा, तो ये बता ऐसी काम वाली कब ढूंढ के ला रहा है मेरे लिए? अबे किसी को तो छोड़ दिया कर। अरे बुलवा थोड़ा धीरे चलो, आज हमको इतनी देर मुर्गा बनाए कि पैर कमर सब दुख रहा है। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई किया करो। हसलो हसलो तुम भी। ए बुत्तन, ए बुत्तन, क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हुआ रे? मंगरू चाचा, तो फुलवा को। फुलवा? हाँ। तो क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ फुलवा को? क्या हुआ? अमर से आ रहे थे। कहाँ ले गए उसको? फुलवा, फुलवा, ए 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 फुलवा, अरे कहाँ हुआ? हमारी बिटिया फुलवा। हाँ चाचा, हमारे गांव की बच्ची का अपहरण हुआ है, और जिसने भी किया ना छोड़ेंगे नहीं उसको। फुलवा रे, चाचा। ये क्या है? अरे
कहाँ रह गए तुम? पुलिस के आने के बाद आओगे का? जल्दी आओ, यहाँ पूरा तमाशा सेट है, जल्दी। ठीक है भाभी, यार सही गेम सेट किया। फॉरेंसिक टीम बुलाओ, बॉडी काफी जल गई है, एम्बुलेंस भी बुलाओ, जितना जल्दी हो सकता है बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ, क्विक। ओके सर। देखो तुम थे ना ड्यूटी पे? जी साहब। कैसे भाई साहब? अब हम कहाँ बताएं साहब, इतना बड़ा जंगल है हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। एक लड़की को जिंदा चला दिया गया और तुम कह रहे हो ना कुछ सुना ना देखा। साहब चाहे जिसकी भी कसम खिलवा लो पर हमको कुछ नहीं पता चला साहब। आप फुलवा के पिता हैं? हाँ साहब। कैसे हुआ ये सब? फुलवा स्कूल से आ रही थी, ये भूटन था उसके साथ। इसी ने बताया कि दो आदमी पुलवा को कैसे हुए सर? दो लोग थे। निशांत बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, पट्टी करवा के लाओ उसकी। हिम्मत रखिए आप। क्या करेंगे हिम्मत मत रखे साहब, पकड़ लीजिएगा ना साहब उन लोगों को। वो जो कोई भी है बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। आपको शक है किसी पर? पुलवा के स्कूल के तो टीचर है ना और हेडमास्टर, वही दोनों आएंगे साहब। टीचर और हेडमास्टर? वो बच्चे लोग के आग का खाना नहीं देते थे। रोज रोज नमक रोटी पकड़ा देते हो, स्कूल में जो खाना आता है वो सरकार की तरफ से आता है। बताइए कौन हम बच्चों का हक छीन रहा है? सरकार हमको ये नमक रोटी खाने को देती है क्या? तो पुलवा ने उन दोनों का शिकायत उनका बड़े अफसर से किया था, उन दोनों का नौकरी चला गया था। लड़की का बयान सही है, आप दोनों को निलंबित किया जाता है। ये टीचर और हेडमास्टर दोनों को बुलाओ और जैसे ही बच्चा पट्टी करवा के आ जाता है अस्पताल से उसके साथ उस जगह पर चलते हैं जहाँ से पुलवा को अपडेट किया गया था। ओके सर। Yes. सर 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 ये देखिए। बेटा कुछ और याद है, जैसे किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाके आराम करो, हम बाद में बात करें। विशाल बच्चों को घर पहुंचा दो। ये कहाँ रह गए थे? हाँ यहाँ सारा कार्यक्रम खत्म होने को आ रहा है और तुम अभी आ रहे हो? अरे हम सारा कार्यक्रम फिट कर देंगे, आप चिंता क्या कर रहे हैं, आइए हमारे साथ। हाँ पर एक बात का ध्यान रखना, हमारे बारे में एकदम मजबूत दिखाना कि नेता हो तो कैसा, हमारे जैसा। गफ्फार कहाँ है? साहब हमें नहीं मालूम। साहब नहीं मालूम है का क्या मतलब है? इस स्कूल के एक बच्ची को जिंदा जला के मारने का आरोप है उस पे, कहाँ है वो? सर सर ये तो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है। वहाँ अंडरगारमेंट्स मिला, शायद वो फुलवा का हो सकता है और यहाँ पर सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई, मतलब पॉसिबल है कि फुलवा के साथ रेप भी हुआ। देखिए आप लोग, इस गांव में ऐसी घटना घटी है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। लड़की के बाप का बुरा हाल है, एक लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया गया है और यहाँ हमारे साथ हैं स्थानीय नेता जी। मुरली जी आप ये बताइए इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो खून खौल रहा है, यहाँ इतना बड़ा कांड हुई गवा और ये गांव का सरपंच है गांव में ही नहीं है। देखा आप लोगों ने मुरली जी को कितनी चिंता है इस गांव की। और बंद करो, बंद कर कैमरा। किस किस का कैमरा बंद करवाएंगे आप? क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे पहले इस हादसे की खबर आपको मुरली जी ने दी है? कैमरा बंद कर।
बंद नहीं किया ना तो जब्त करवा देंगे सब कुछ। देखिए आप एक पत्रकार की आवाज को बंद नहीं करा सकती। आवाज नीचे। कविता। हाँ शर्मा बोलो। सर ये टीचर लाल बाबू और हेडमास्टर गफ्फार दोनों गायब है। मतलब फुलवा के पिता का शक सही हो सकता है। ढूंढ के लाओ उन दोनों को। और सर शर्मा मैं कॉल करता हूँ बाद में। सर ये देखिए हो सकता है फुलवा को जलाने से पहले उस पर इस चाकू से वार किए गए। ये चिलम, ये सेक्स इनहेंसमेंट की दवा। सर शक के दायरे में तो लाल बाबू और गफ्फार है, लेकिन इस जंगल में नशा करने के लिए, गांजा भुकने के लिए और गलत काम करने के लिए लोग बाहर शहर से तक आते हैं। लेकिन गफ्फार और लाल बाबू गायब क्यों हैं? पता करो हादसे के वक्त उनको यहाँ पर देखा गया था क्या? और ये जो दवा है पता करो किस मेडिकल स्टोर से खरीदी गई थी? मेरे ख्याल से डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो ये नहीं मिलेगी। सर सर हमें आपसे एक बात करनी है। देख अगर इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो। सर इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा ही केस कवर किए थे हम पहले। ऐसा ही केस मतलब? मतलब ऐसे ही चाकू चिल्लम दवाई क्राइम सीन पर मिला था, उसमें एक दोषी पकड़ा भी गया था लेकिन उसके दो दोस्त अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। कविता ये जिस केस की बात कर रहे हैं उस केस के बारे में मैंने भी सुना था। उस केस को आइडेंटिफाई करके उसकी फाइल मेरे पास ले गया। डिटेल में SMS करता हूँ। सर मूव। बाबा ये लो पानी। तुम्हारी बिटिया सिर्फ इसलिए थी कि तुम्हारी कोख से जन्मी थी, वो सिर्फ हमारी बिटिया थी। ऐसा मत बोलिए। तुम लेके गई थी ना उसको कुछ दिनों के लिए शहर में, कैसा ख्याल रखा था उसका तुमने और तुम्हारे उस प्रेमी ने। क्या हुआ, डर लग रहा है? हाँ हमको ये सब अच्छा नहीं लगता साहब। सुनो ना, अच्छा लगने लगेगा और ऐसा करेंगे तेरे। ये क्या कर रहे हैं साहब, छोड़िए इसको। तुम्हारे विश्वासघात के लिए हम तुमको एक बार माफ भी कर दें, लेकिन तुमने हमारी बिटिया को उस भेड़िए के सामने परोस दिया था। चलो निकलो यहाँ से, जा यहाँ से जा, तुम्हारा आना मत हमारे सामने, आना मत कभी हमारे सामने तुम्हारा। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। ठीक है लेकिन जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके सर। सर ये उस केस की फाइल है जिसके बारे में उस रिपोर्टर ने बताया था। सर आसपास के इलाके में कोई भी सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है जिसने ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की, और सर किसी भी मेडिकल वाले ने ये टैबलेट नहीं बेची है। इसका मतलब ये है कि ये दवा इस इलाके के बाहर से खरीदी गई है और क्राइम सीन से जो एविडेंस बरामद हुए थे वो सेम है, चिलम नाइफ और सेक्स मेडिसिन की स्ट्रिप। यस सर। सर रजनी नाम की लड़की का 3 लोगों ने रेप किया और उसे जिंदा जला के मार दिया। सर क्राइम सीन पे 3 लोगों के DNA मिले थे जिसमें से एक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसने अपने दोनों साथियों के बारे में बताने से मना कर दिया। तुम उनको बचाना क्यों चाहते हो, नाम बता दो उनके। सब कुछ हम बता देंगे तो पुलिस क्या है। अच्छा ये रजनी की फैमिली में सिर्फ रजनी की माँ थी। माँ ये देखिए ये हमने बनाया है। ये रोटी तरकारी तू बनाई है? हाँ माँ। सच में? अरे हम तो कढ़ी बनाना भी सीख रहे हैं, कल बना के लेके आएंगे। एक खाना होना बनाने का काम ना हम कर लेंगे, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। सर
सर उनमें से एक पकड़ा गया था जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर 2 साल पहले उसे फांसी दी गई है। यानी बाकी के जो 2 आरोपी थे उनके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला, वो आज भी आजाद घूम रहे। रजनी के केस में जैसा हुआ था तकरीबन वैसा ही फुलवा के केस में भी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं दोनों का काम है? हो सकता है सर, क्योंकि इस क्राइम के बारे में काफी सारे न्यूज़पेपर ने छापा था। हो सकता है किसी ने इसी से प्रभावित होकर सेम टू सेम क्राइम किया हो ताकि हमें गुमराह कर सके। लेकिन कौन? मुरली भैया अभी न्यूज में कुछ रखा नहीं है, गांव वालों को भी लग रहा है हम वही न्यूज बार बार दिखा रहे हैं। नहीं, कोनो फायदा नहीं। ए, रुको, थोड़ी देर और रुक जाओ। अब तुमको ऐसा मसाला मिलेगा कि तुमरे वो क्या कहते हो, सब्सक्राइबर्स, हाँ वो सब्सक्राइबर डबल हो ही जाएगा। मंगरू जी हिम्मत से काम लीजिए, फुलवा जितनी आपकी बेटी थी उतना ही पूरे गांव वालों की बेटी थी। हमारे लिए भी बेटी ऐसी थी। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि फुलवा को इंसाफ जरूर मिलेगा, आप सबको इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा? हाँ? जब भी गांव की 4 और बेटियों को मार दिया जाएगा तब। देखिए ये वक्त गुस्सा होने का नहीं है, सबको एक साथ मिलजुल के धैर्य से काम लेने का। धैर्य गया तेल लेने? जब आपकी बेटी को आपके घर से उठा ले और जिंदा जला दे तब बात कीजिएगा धैर्य की। अभी ये बेचारा पत्रकार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है और पुलिस इसकी आवाज को उठने से पहले ही दबा देती है। देखिए गुनहगार जो कोई भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस पर, ये हमारा आश्वासन है। चलो। आश्वासन नहीं चाहिए हमें, हम आपको जाने नहीं देंगे। जब तक फुलवा को इंसाफ नहीं मिल जाता आप यहाँ से नहीं जा सकते। हमारे यहाँ पर बैठने से, धरना प्रदर्शन करने से फुलवा को इंसाफ मिल जाएगा तो ठीक है, हम भी बैठते हैं यहाँ पर। आपके यहाँ बैठने से इंसाफ नहीं मिलेगा, और ना ही पुलिस कुछ कर रही है और ना ही आप। अब इस बाप को देखिए, अब इस बाप को देखिए जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, जिसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। इसलिए 2 घंटा के अंदर फुलवा के कातिलों को नहीं पकड़ा गया ना, तो ये आप सबके सामने अपने आप को जिंदा जला लेगा। थैंक यू सर। सर मुझे मालूम था आप हमें रजनी गैंग रेप और मर्डर केस रीओपन करने की परमिशन जरूर देंगे। हम दोनों केसेस पर एक साथ काम करेंगे सर। जय हिंद सर। कविता, रजनी का केस जिस ऑफिसर ने हैंडल किया था हमें उससे मिलना होगा, एक बार बात करो सर। सर हेलो सर, गांव में हंगामा मचा हुआ है, फुलवा के बाप ने खुद को जलाने की धमकी दी है सर। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे थे आप? दिमाग खराब हो गया आपका? फुलवा के पापा ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मैं अभी जाके साहब जी को बता देती हूँ। अरे समझो, अगर ऐसी धमकी नहीं देंगे तो पुलिस कोनू कार्रवाई नहीं करेगी। तो बेटी के कातिल को पकड़वाने के लिए बाप अपनी जान दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, अगर फुलवा के कातिल नहीं पकड़े गए तो हम सच में अपने आप को जला लेंगे। देखिए हम कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये झूठा आश्वासन बंद कीजिए आप, ये देख रहे हो ना, ये दुनिया भर में दिखाएगा कि पुलिस की नाकाबिलियत की वजह से कैसे एक बाप ने अपने आप को जिंदा जलाकर मार दिया। ये गांव वालों को भड़काना बंद कर तू, नहीं तो 1 मिनट में तेरी नेतागिरी निकाल दूंगा, समझा? देखिए आप जो कर रहे हैं प्लीज बंद कीजिए ऐसे। हमारी फुलवा के कातिल को अगर आपने नहीं पकड़ा तो हम सच में खुद को जला लेंगे। हेलो सर। शर्मा क्या अपडेट है? हर जगह नाकाबंदी लगा रखी है सर। गफ्फार और लाल बाबू के घर वालों से, पड़ोसियों से और स्कूल में इंक्वायरी कर रहे हैं, शायद इन दोनों की कोई लीड मिले। शर्मा जल्दी करो, फुलवा के बाप ने खुद को जलाकर आत्महत्या करने की धमकी दी है, पूरा गाँव है उसके साथ, हमारे पास 1 घंटे से भी कम समय है। कैसा बनाया हम खाना? खाना तो इतना बढ़िया बनाया है जैसे हलवाई की बिटिया। लेकिन पढ़ाई ठीक चल रही है ना? I learning English. My father name is Mangaroo. आजकल इंग्लिश में ही बात करते हैं हम। शाबाश,
तू हमारा नाम बहुत रोशन करेगी। अरे बाबा, आपको तो कुछ अच्छा बताने में भी मुश्किल होता है। यू स्टार्ट क्राई, मने आप रोने लगते हैं। आप नहीं रोएंगे? ए, रुक, 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 चल। कितनों को रोकोगे आप? 10 गांव वाले और आ रहे हैं, और ये सब करने से अच्छा है उन्हें पकड़िए जिन्होंने हमारी फुलवा को जिंदा जला दिया। चुप। कविता, कैमरा जब्त करो इसका। हेलो सर, दोनों को पकड़ लिया। देखिए, हमने गफ्फार और लाल बाबू को पकड़ लिया। क्या झूठ बोल रहे हैं साहब? बस बस मतलब बस। देखिए, फुलवा के कातिल पकड़े जा चुके हैं। साहब, हम गुस्से में जरूर थे, लेकिन हमने उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। साहब, वो हमारी बच्ची जैसी थी, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया तो छिपे क्यों थे? साहब, हम लोग डर गए थे, क्योंकि सबको मालूम था कि हम फुलवा से गुस्से में, गांव वाले के गुस्से में आकर हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए हम डर गए थे। तुम दोनों की खटी एक्टिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगी। सूरज, जब तक ये दोनों सच ना बोले तोड़ते रहो इन दोनों को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। फुलवा की बॉडी इतनी ज्यादा जल गई है कि उसके साथ रेप हुआ था ये भी पता नहीं चल सकता। और रजनी केस में जिस इकलौते मुजरिम को फांसी हुई थी वो भी इस बात से मुकरा नहीं था कि गैंगरेप के बाद उन तीनों ने मिलकर पहले विक्टिम की बेरहमी से जबान काटी। तो ये उन्हीं दोनों साइको किलर का काम है या फिर फुलवा के ही गाँव से कोई है? और सर, ये गफ्फार और लाल बाबू, ये दोनों भी कुछ नहीं कबूल रहे। क्राइम सीन से जो अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी गफ्फार और लाल बाबू से मैच नहीं करते। तो सर, क्या हो सकता है? इन दोनों ने ग्लव्स पहन रखे थे या फिर कोई और था? मगर कौन? किसी दूसरी बस्ती का, गांव का, शहर का? शर्मा, रजनी का केस जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया था उससे बात हुई? जो तीन एक्यूज थे उसमें से बबलू जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए, थर्ड डिग्री टॉर्चर, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, लेकिन न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था वो, उसने कभी कुछ उगला ही नहीं। यहाँ तक कि जिस इंसान से वो एक बार मिला हो उसको भी बुला के पूछताछ की, मगर कुछ पता नहीं चला। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं होता, तो क्या कुछ ऐसा है जिस समय इस केस में हेल्प मिल सके? देखिए, मैं तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके ऐसा लगता था कि वो बहुत ही सनकी किस्म का इंसान है। ओ साहब, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर खुद मालूम नहीं कर सकते तो वर्दी उतार दो। शायद बबलू हम लोगों के साथ खेल रहा था। वो जो दो लोगों की बात करता था वो दो लोग थे ही नहीं। लेकिन डीएनए तो मिले थे बाकी दो लोगों के भी। हाँ, वो ठीक है, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। तुम जंगल में अपने दो और दोस्तों के साथ थे, कौन थे वो? जिंदगी के सफर में गुजर जाते। साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हारे लिए फिर नहीं आते। तो जितनी जल्दी सच बताएगा ना उतनी जल्दी तेरे साथ इंक्वायरी बंद होगी, समझ ले। साहब, हमें कोई फंसा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पता चल गया हमें, तेरी सिर्फ एक ही मंशा थी, सरपंच बनने की। और क्या जानते हैं उसके बारे में? वो सरपंच बनना चाहता है और उसकी नजरें भी गंदी हैं साहब। फुलवा को भी वैसी नजर से देखता था। देखो रे, एक बार तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए ना, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करने का अंजाम क्या होता है। अगर मुरली के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे तो फिर कौन? रजनी के केस से भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जिससे हम किसी नतीजे तक पहुंच सकें। बबलू जो पकड़ा गया था, जिसने अपना जुर्म कबूला था, जिसको फांसी हुई थी, उसकी वाइफ ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, हालांकि कोई लीड नहीं मिली थी,
उसकी वाइफ का है आजकल पता करो। सर एक आदमी ऐसा है जिसको अभी तक हमने शक के दायरे से दूर रखा है। कौन? बोला यादव, फॉरेस्ट गार्ड। उसकी ड्यूटी है सर जंगल में आते आते लोगों की खबर रखना। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने फुलवा की चीख ही नहीं सुनी? अरे वो जे तेरा वो पीपल के पेड़ वाला भूत कहीं तुझे तो नहीं पकड़ा ना है? मुझे तो नहीं पकड़ा है। पर कब तक जिंदा रहेगा तेरा ये भूत? जब तक रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो हम दूसरा भूत बना लेंगे। पिछली बार जैसा कोई सुन लिया ना तो फिर से कान हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उस जंजाल से बाहर निकले हैं, हैं? अब कोई परेशानी नहीं चाहिए भाई, शांति चाहिए। हैं? क्या? अरे 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 मेरे बच्चे, अरे सर। ये पुष्पा यहीं रहती है ना? हाँ साहब, 2 साल हो गए उसको यहाँ से गए। आप ये पुष्पा और बबलू, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? जी साहब। कुछ बता सकती है? जब बबलू नशा करने लगा तब दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा। उसके बाद उसे पता चला कि बबलू अरेस्ट हो गया, तब जाकर उसकी हालत सुधरी। हालत ठीक हो गई मतलब? मतलब उसने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद नया घर ले लिया, लेकिन अब हमारी उससे कोई बातचीत नहीं होती। अच्छा आपको ये पता है कि अभी कहाँ रहती है वो? शायद इंदिरा नगर में। तुम फॉरेस्ट गार्ड ड्यूटी पर भी थे पर तुमने ना कुछ देखा ना सुना, पता है क्यों? क्योंकि तुमने फुलवा का रेप करके उसकी जबान काट के उसको जिंदा जला डाला। कैसी बात कर रहे हैं साहब? फुलवा हमारी बेटी जैसी थी साहब। साहब हम तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, गंगा माई की कसम, ये सब से हमें क्या मतलब है? कविता इन दोनों की एक्टिंग बंद करवा। साहब साहब जी कहिए। आपका नाम पुष्पा है ना? जी। और आपके पति का बबलू? था, लेकिन बबलू ना इस दुनिया में है और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। पर हमें उसके बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पुष्पा? अरे कुछ नहीं, वो बबलू के बारे में पूछताछ करने आए हैं बस। देखिए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कमाल है, आप लोग तो बिना सवाल के ही जवाब पे जवाब देते जा रहे हैं। जैसे कि आपको पहले से पता था कि यहाँ पे पुलिस आएगी और हमसे ये सवाल करेगी। नहीं, लेकिन इतना जरूर पता था कि बबलू मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती थी तो उसका फल तो मुझे भुगतते रहना होगा ना। खैर पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? बबलू ने जो जुर्म किया था उसमें उसके साथ कौन कौन था? पुलिस ये सवाल मुझसे पूछती रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है, ना ही उसके केस के बारे में और ना ही मुझे उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता है। साहब बस मुझे इतना ही मालूम है कि बबलू हमेशा गांजा फूंकता रहता था, फिर एक दिन उसने किसी बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया। बस उसी दिन मुझे उससे घिन आ गई, इसलिए उसके जेल जाने के बाद आपने दूसरी शादी कर ली। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पंकज मिल गए, और वैसे भी मैं क्या करती, पूरी जिंदगी उस कमीने की परछाई में गुजार देती। अच्छा आप दोनों एक दूसरे को बबलू के जेल जाने से पहले से जानते थे? जी वो कितने साल पहले से? जी हम एक ही गांव से। अच्छा मतलब बबलू की और इनकी शादी होने के पहले से ही? जी। तुम करते क्या? जी हम कुक हैं। एक मामूली से कुक से शादी करने के बाद पुष्पा के पास इतना पैसा आ गया कि उसने खुद का घर भी खरीद लिया। कहीं पुष्पा को कोई राज छुपाने के पैसे तो नहीं मिले किसी से? हो सकता है सर, इसलिए मैंने पुष्पा की पिछले 10 साल की बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए उसके बैंक से कॉन्टेक्ट किया। वो अभी थोड़ी देर में उसका स्टेटमेंट मुझे ईमेल कर देंगे। सर हाँ ठीक है ओके। सर ये पुष्पा की बैंक डिटेल्स। कोपाल की सजा के दौरान पुष्पा के अकाउंट में कई बड़े अमाउंट्स ट्रांसफर किए गए थे और ये सारे पैसे पंकज के अकाउंट से आए थे। ये पंकज के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा? वो तो एक मामूली सा कुक है, किसी 5-स्टार होटल में शेफ तो है नहीं। रजनी के केस में पंकज से पूछताछ हुई थी? नहीं सर, ना तो इंक्वायरी हुई, ना उसका DNA लिया गया और ना ही फिंगरप्रिंट्स, रडार में था ही नहीं वो। आई थिंक हमें देर नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले पंकज का DNA सैंपल और फिंगरप्रिंट्स लो, उसके बाद हम पुष्पा और पंकज से बात करते हैं। ओके सर। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है साहब? हाँ सर, हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं उसका हिसाब किताब दे सकते हैं हम आपको। सुपर, तो फिर इस बात का भी हिसाब किताब दे दो। रजनी के गैंगरेप और मर्डर में जिन 3 लोगों के DNA मिले उसमें से तुम्हारा भी मैच हुआ है। क्या पंकज तुमने? नहीं, इनको कोई गलतफहमी हुई है। एक्टिंग बंद करो दोनों, अब सीधे सीधे बोल
बबलू और तेरे अलावा तीसरा कौन था? ये क्या बदतमीजी है? एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ आया है? ऑफिसर नहीं, क्रिमिनल। एक मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप। बहुत लोगों को थर्ड डिग्री दी होगी ना तूने। अब मैं तुझे दिखाता हूं असली थर्ड डिग्री क्या होती है। नहीं, नहीं, बताता हूं, मैं सब बताता हूं। मैं उन दिनों अकेले रहा करता था और पंकज मेरे यहाँ खाना बनाने के लिए आया करता था। रोज खाना खाने से पहले हम दोनों साथ बैठकर पिया करते थे और इन्होंने रजनी का जिक्र किया तो मेरी भी इच्छा हुई रजनी को देखने की। मैंने उसे बहुत बहलाया फुसलाया, उसे पैसे का लालच भी दिया, लेकिन वह हमारी बात मानने के बदले हमारी बेइज्जती करने लगी। ऊपर से प्रेशर आने लग गया कातिल को पकड़ने का। मैंने बबलू पर दबाव बनाया, उसे नार्को टेस्ट में कैसे झूठ बोलना है ये भी सिखाया और ऊपर से उसे प्रॉमिस किया कि हर महीने उसकी वाइफ को मैं पैसे भेजता रहूंगा। और जब बबलू को फांसी हो गई और सालों तक तुम लोग नहीं पकड़े गए तो हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद फुलवा पर नजर डाली और उसके नहीं सर, फुलवा के साथ मैंने कुछ नहीं किया। हम भी कब से यही बोल रहे हैं, हमने फुलवा के साथ कुछ नहीं किया सर। अरे क्या हुआ? बुझा दिया। ठीक है तुम रुक। अरे पकड़ा जाते हो, बताओ ये क्या हुआ बहन? पता नहीं भाई से क्या हो गया। इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है जब से फुलवा गई है। फुलवा के केस मुझे फिंगरप्रिंट्स मिले, वो श्याम और पंकज के भी नहीं है। हेलो, ठीक है सर। भूतन को आजकल दिमागी दौरे बहुत पड़ रहे हैं। कांवल को ऐसा लग रहा है कि फुलवा के साथ जो हुआ उसको हॉन्ट कर रहा है। हॉन्ट कर रहा है, पता करो तेरा माजरा क्या है। अरे काय तंग कर रहे, हमें नहीं मालूम है, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये उस दवाई का साइड इफेक्ट है जो तूने ली है। अरे कौन सी दवाई, हमने कोई दवाई नहीं ली है। अच्छा तो फिर उस दवाई की स्ट्रिप पे तेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले हमें? अरे वो जब पुलवा को ले जा रहे थे तब हो सकता है कि हमारा हाथ उस दवाई पे लग गया होगा। वो दवाई हमें वहां से नहीं मिली है जहां से पुलवा को अगवा किया गया। सर ये तो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है। क्या छिपा रहा है उसे? हाँ, हमने भी पुलवा के साथ। और कौन था तेरे साथ? और कौन कौन था तेरे साथ? सर हमने ही भूटन के साथ मिलकर। क्यों? हमको पता लगा कि पुलवा शहर से इसलिए वापस आई है, घर के अरुण उसके साथ। अच्छा लगने लगेगा और ऐसा करेंगे। ये क्या कर रहे हैं साहब? छोड़िए इसको। हमारे मन में भी पुलवा के लिए वैसे ही सोच आने लगी। क्या कर रहे हो तुम? बहुत प्यार करने लगे तुमसे। एक लपड़ में ना प्यार का सारा भूत ही उतार देंगे, चप्पल उठा के मारेंगे अगर ऐसी बकवास किए तो। तब तो हमने उसे माफी मांग के उसको चांद कर दिया, लेकिन हमको उसके साथ तू करना था, इसलिए हमने अरुण और सचिन को बताया कि हम पुलवा को सबक सिखाना चाहते हैं। तो दोनों तैयार हो गए, हमने अपने आप खुद पिटवाया ताकि हमारी कहानी सबको सच लगे। लेकिन सर हमने रजनी मर्डर केस के बारे में सुना था, हमने भी वैसे ही किया। क्या सोचा था तुमने कि तुम ये खिलौना क्राइम करके बच जाओगे? क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजे से बच नहीं सकता। कितनी बार बोला है बाबा, समय से खाना खा लिया कीजिए। तुम्हारे ही राह देख रहे थे, जब तक तुम्हारी डांट नहीं सुन लेते खाना गले से उतरता ही नहीं।
चलो अब खिलाओ जल्दी से। फुलवा के परिवार की गरीबी लाचारी ने उन्हें पहले ही अपना शिकार बना लिया था। गरीब और लाचार लोग हमेशा ऐसे लोगों के शिकंजे में होते हैं जिनके पास आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल पावर है। पुलिस का काम है गुनहगारों को पकड़ के उन्हें सजा दिलवाना। लेकिन याद रखिए, इलाज से बेहतर है सतर्कता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.